नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके जीवन में धन समृद्धि लेकर आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, कल बहुत सारे फ़ोन और मैसेज आए, राशि फल भी नहीं मालूम और मार्केट में क्या हो सकता है, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम होने के कारण जो है वीडियो नहीं बन पाया और ये वीडियो मैं अभी आपको आज दे रही हूँ। आप इसका लाभ ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के सारे काम किए जाते हैं। तो आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि की दैनिक तेजी मंदी जान सकते हैं, रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली क्या कहती है, कैसे योग हैं, यह भी आप जान सकते हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो आगे है। आपका राशिफल क्या कहता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम पंचांग देखते हैं कि गुरुवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि को 9:22 तक। इसके बाद जो है स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, तुला राशि रहेगी आज 10:30 की 11 बजे से। और इसके पहले जो है कन्या राशि का प्रभाव रहेगा। जैसा आप कुंडली देख रहे हैं, यह सुबह की कुंडली है और इसमें जो है केतु शुक्र जो है वृश्चिक में है, मकर में जो है गुरु शनि विराजमान हैं, राहु वृषभ में है, कन्या राशि में बुध, सूर्य और मंगल हैं, चंद्रमा तुला राशि में हैं। तो 10:30 के बाद चंद्र का राशि परिवर्तन हुआ है, उसकी कुंडली मैंने बनाई है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद अब ये कुंडली क्या कहती है, प्रश्न कुंडली, तो इसके हिसाब से जो है आज सबसे पहले राशिफल देखेंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, मार्केट का हाल जानने से पहले आप यह ज़रूर जानिए कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, क्या कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है या हानि के योग बनने वाले हैं विशेष या लाभ के। तो आप मार्केट का हाल जानने के लिए जो है चैनल से जुड़े हुए हैं और आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हम जो है राशिफल देखेंगे कि आपका राशिफल क्या कह रहा है आज की स्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले आती है आपकी मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए जो आज है लाभ का समय है, काम करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए जो है पूर्ण हानि का योग बन रहा है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि, मिथुन राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग है, आप काम करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद आती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ का योग है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो है हानि जो है मिश्रित योग बन रहा है, कुछ लाभ कुछ हानि का, तो लाभ मिलते ही बाहर हो जाएं। कन्या राशि वालों के लिए जो लाभ का योग है, काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो है हानि का योग है, संभल के काम करें तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण हानि का योग है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग है, काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है, आप काम करके। कुंभ राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो है हानि कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, तो लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, यह था आज का आपका राशिफल, इसे आप देख सकते हैं। और मार्केट का हाल जानने से पहले यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि हमारे कार्यालय से जो भी गणनाएँ दी जाती हैं ये सारी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर रहती हैं। आप मार्केट में काम करते हैं, मार्केट का रुख देखिए, अपने स्वविवेक का उपयोग कीजिए, इसके बाद आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्या स्थिति बनेगी। तो 9 से लेकर के लगभग 11:15 तक यहाँ कुछ सामान्य मार्केट चल सकता है, लेकिन 11 से लेकर के 3:30 के बाद मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद बैंक निफ्टी में भी जो है गड़बड़ चलती रहेगी 9 से लेकर 11:30 तक। इसके बाद अचानक से मार्केट में उछाल देखा जा सकता है। और यह था आज का आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।